अस्सलाम वालेकुम। आज फिर वापस से हमीद भाई हमारे साथ में है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, खास करके सोसाइटी के ऊपर ये इस मुद्दे पर हमीद भाई ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी सवाल पूछे जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। वापस अब हम हमीद भाई से मिलते हैं। हमीद भाई, एक्चुअली आप सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होने का क्या रीज़न है? होने का रीज़न ये है असल में कि अक्सर जो हमारे लोग हैं, सब सोसाइटी में रहते हैं, मैं देखते आ रहे थे कि इनको सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, हर बार एक एनुअल मीटिंग होती है और एक चॉकलेट, वो बिल्डर से बात हुई, अच्छा, वो इतना स्क्वायर फीट दे रहा है, उससे बात हुई वो दे रहा है, इससे बात हुई ये दे रहा है। सोसाइटी वालों को आज तक ये पता नहीं कि हमारे पास जमीन का एक बालिश टुकड़ा भी नहीं है। अच्छा, ये जो है अपने आप को अपग्रेड लोग समझ रहे हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं। हाँ, actually है। हाँ, मतलब ये अपने आप को स्लम से हटके देख रहे हैं कि हम लोग झोपड़पट्टी में नहीं रह रहे, हम सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारा एक स्टेटस है, ये है, वो है, जो भी उनका अपना सोचना है। सोसाइटी वालों ने आज तक कभी भी किसी मीटिंग में भी लोगों को सच नहीं बताया कि भाई एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास, जैसे मैंने अपने सारे वीडियो में डिटेल वाइज बताया हूँ उसको कि भाई हम 1976 में यहाँ आए और 1995 में सोसाइटी रजिस्टर हो रही है, तो 76 से 1995 कम अरसा नहीं है। हाँ, बराबर 19 साल आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, एक सवाल। दूसरी बात, आपके पास जगह नहीं है, ये बात आपने कभी सोसाइटी वालों को बताई? दूसरी चीज, सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं एक्सपर बीएमसी रूल के, उनका क्या डॉक्यूमेंट ऐसा है जिससे ये साबित हो कि इनका ये स्ट्रक्चर ये इनका है और ये इनका लीगल उन प्रॉपर्टी उसका कोई और प्रॉपर्टी। हाँ, आप जो है ट्रांसफर फीस ले रहे हो, आप उनसे असेसमेंट ले रहे हो, आप असेसमेंट यानी मिसाल के तौर पर मेरा घर है मान लो, क्या मेरे नाम पे भर रहे हो? मेरा जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे आप भर रहे हो, आप भर रहे हो चाल वाइज, तो रिकॉर्ड में क्या है? चाल है, चाल है। अब वो चाल में कौन रह रहा है, कौन रह उससे बीएमसी को कोई मतलब नहीं है, उसका इतना है कि 10 घर है या 12 घर है। बराबर, सीधी बात, आज एक खाड़ी में रहने वाले आदमी के पास भी अपने स्ट्रक्चर का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है। बराबर, जिन्होंने इंक्रोचमेंट करके जगह पकड़ा, कल के दिन सोसाइटी पे अगर कोई ऐसी चीज आती है, क्योंकि हमारा सिस्टम सोता रहता है, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सालों सोता है, जब जागता है तब उसको याद आती क्या लीगल है क्या इलीगल है। बराबर, अगर सिस्टम हमारा जागता होता तो कोई भी इंक्रोचमेंट होता ही नहीं होता, कोई झोपड़ा बनता ही नहीं, कोई इलीगल काम होता ही नहीं। बराबर, इसलिए असल में, क्योंकि अब हमारी भी वहां पे एक जगह है मस्जिद के लिहाज से, और जो हमारे अक्सर जो लोग रह रहे हैं सारी हमारे अपने लोग हैं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। बराबर, इसलिए हमको इसमें इन्वॉल्व होकर हकीकत बतानी पड़ी ताकि लोगों को पता तो चले एक्चुअल इनके साथ हो क्या रहा। तो अभी जो अपकमिंग मीटिंग है, वो मीटिंग में एक्चुअली एजेंडा क्या होगा आपके हिसाब से? देखो, एजेंडा तो वो रखे हैं उन्होंने, बांटा नहीं, फिर भी आपके अंदाजे से आपने डीपली क्लोजली स्टडी किया है, चाहिए सबसे पहली बात के सोसाइटी का इलेक्शन हो, पहली बात। अच्छा, क्योंकि 2015 के नोटिस में डिप्टी रजिस्ट्रार ने साफ तौर पे बात कहा है, जब तक आपका इलेक्शन अधिकारी अपॉइंट होके नई बॉडी नहीं बनती है, आप रोजमर्रा के काम टेम्पररी बेस पे देखो, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। अच्छा, बड़ा डिसीजन मत लो, नहीं ले सकते आप। ओके, सीधी बात है, 2015 से 2022 तक आप क्यों नहीं इलेक्शन कराए? एक मीटिंग में उन्होंने जवाब में कहा था कि भाई किसी ने केस कर दिया था इसलिए स्टे था, ये मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, केस जो किया गया था वो इलेक्शन के तरीके के खिलाफ था। अच्छा, कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन भाई, आपने एक नाम पेश किया, जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है रशीद बेग साहब को सदर साहब के लिए नामजद कर रहे हैं, तो इसके कौन तायद करता है? पहली बात, आपके सोसाइटी की मीटिंग में आज तक 100% सोसाइटी के लोग आए या 70% लोग आए? कितने लोग आते हैं आपकी मीटिंग में? 150-200-250, जबकि आपका 70% कम से कम लोग उस मीटिंग में होना चाहिए।
और इलेक्शन ओपन होना चाहिए, जो इलेक्शन का रूल है भाई, जितने उम्मीदवार है वो खड़े, जिनको जो वोट देंगे सोसाइटी के मेंबर, जो जीता वो रहे, सीधी बात। अब इलेक्शन करवाने के बजाय जैसे सीधी बात, अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक बात थे भाई, एक आदमी को शादी करना है तो उसका पहला मरहला क्या है? लड़की ढूंढेगा? नहीं, हमने तो हॉल बुक कर दिया, अच्छा हमने डेकोरेशन का पैसा दे दिया, हमने खाने का ऑर्डर कर दिया, हमने कपड़े खरीद लिए, हमने बारातियों को दावत दे दी, सब अरेंजमेंट हो गया। अच्छा लड़की कौन है? लड़की कहाँ मिली हमें? अच्छा, यानी जो पहली चीज है हमारे पास जगह होनी चाहिए, जगह नहीं है। चलो इससे पहले हम मानते जो लोग थे, जब से जो भी लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे, कम जानते थे, उनको नॉलेज नहीं था। जब से ये चौधरी साहब आए हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल और मालूमात और वो सारी चीजें जो कहते हैं, 2014 में आने के बाद क्या इनको मालूम नहीं था सोसाइटी को जगह हैंड ओवर नहीं है? तो इन 7 सालों में इन्होंने क्या कोशिश की कि जगह इनको हैंड ओवर हो गए? बजाय वो क्या कर रहे भाई, टेबल सर्वे करो। किसकी टेबल सर्वे करो? क्यों वैसे कि हम ज्यादा भुगत रहे हो? पहला काम क्या है तुम्हारा भाई, शादी करने तो लड़की देखो ना, पहले जमीन अपने नाम पे करो। अभी किसी ने बात बोले 50,000 देंगे तो हम ओनरशिप देते। अरे कहां से दोगे? अब्बा की जागीर है। बीएमसी ने कहा आपको क्या 50,000 दे दो हम तुमको ओनरशिप दे देंगे? ये बात दी अफवाह फैल रही है कि 50,000 दे दो उसमें। अरे इतने साल तो सोसाइटी ने आपको पैसे दिए ना, वो 2 करोड़ चिल्लर जो भी आपके पास रखता है किसका पैसा है वो? और 50,000 देवे मतलब ये 900 लोग और 50,000 रुपए आपको देवे ताकि आप उसका जो सत्यानाश करो? तुम्हारा कोई प्लान नहीं है, तुम्हारा कोई सिस्टम नहीं है, खाली बस इरान तुरान की बात हवा में। वो बिल्डर से बात हुई। अरे जगह तो ले ले भाई, पहला जमीन होना चाहिए। नहीं बिल्डर आएगा तो कर, अरे क्यों करेगा? पहला काम, असल में वाक्य असल में कहता हूँ, गांव में कभी देखे रहेंगे, गांव के जो लोग होते हैं ना, असल अब किसान वगैरह जैसे वो कुत्ता भी पालता है उसका, तो बैलगाड़ी वगैरह, अभी तो खैर मॉडर्न जमाना हो गया तो किसान जो है बैलगाड़ी लेके चलता रहता है, एक कुत्ता जो है वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है। हकीकत में वो कुत्ता बैलगाड़ी के साये में चल रहा है, लेकिन कुत्ते को घमंड ये होता है कि बैलगाड़ी मेरे वजह से चल रही है, ये हाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, असल में लावारिस जैसे अभी शाहुल भाई के वीडियो में सुना मैंने कि इनको कोई ठिकाना तो था नहीं, यहाँ कभी ये कभी जो है चप्पल की दुकान, कभी बेकरी, कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा महफिलें सजा रहे थे, अभी सोसाइटी वालों ने लाके जो है इनके हाथ में चीज दे दी। अब वो ईरान तुरान की बातें कर करके टाइम पास किए जा रहे हैं। हमारा मुद्दा सोसाइटी वालों को सबसे पहली चीज जो मीटिंग होती है सोसाइटी वालों को ये पूछना चाहिए भाई, इतने सालों में आपने हमको क्या फायदा पहुंचाया वो बताओ। ये कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं आप? टोटल टाइम पीरियड ना। अच्छा टोटल, चलो पहले वालों को छोड़ दो, बेचारे नहीं जानते थे। जब से ये काबिल लोग इसमें आए हैं इन 7 सालों में इन्होंने क्या फायदा पहुंचाया? सोसाइटी को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिली? सोसाइटी के रहने वालों का क्या स्टेटस जो है ऊपर आया? इनका क्या डेवलपमेंट हुआ? बारिश आ रही तो स्विमिंग पूल बन जा रहा है, घर तो बात कर रहे हैं उन्होंने गटर ऐसी बनाई, उन्होंने गटर वैसी बनाई, वो अरे तो आप किस लिए बैठे हो? आपने उसके लिए 1 साल में आपको पता चल गया ना कि भाई इस वजह से हो रहा है, तो आइंदा साल से पहले आपने क्या किया? आपने जब मानसून का जब टेंडर निकलता है क्या कभी खड़े रहे कि आपने सोसाइटी के सारे नालों को 100% साफ करवा के लिया, डिसेंटिंग करवाई टोटल, नाले जो 90% भरे हुए हैं? नहीं, 1 साल मिस आउट हो सकता है, नेक्स्ट ईयर तो अलर्ट हो जाता है इंसान, पता चल जाता है कि लास्ट ईयर का ये हाल है, हां ये प्रॉब्लम है, आइंदा साल वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए एग्जैक्टली। अक्सर स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, हां जिन लोगों ने बना लिया वरना सब अक्सर गिर रहे हैं, हर बारिश में एक दो घर गिर रहे हैं, किसी के छत गिर रही, प्लास्टर गिर रहा, ये गिर रहा, वो गिर रहा, सोसाइटी कहते किसे हैं? क्या डिसिप्लिन है तुम्हारा? जिसके मर्जी में जो आए वो कर ले। पहली चीज तो ये है कोई बात नहीं होगी जब तक इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा पहला काम सोसाइटी वालों को जो करना है वो जो है इलेक्शन किया जाए। इलेक्शन करने के लिए अब लाख रुपए या कलाको सोसाइटी वाले बता रहे थे जो है कि भरना है, आप वो पैसे भरो, इलेक्शन करवाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सामने। अच्छा
तुम्हारे ख्याली पुलाव हमको नहीं चाहिए, जो इलेक्शन में सिलेक्शन, हाँ भाई आप ही जीत के आ जाओ, कोई हर्ज नहीं है, लोग आपको लावे, बराबर आप जीत के आओ, आपको जो भी बॉडी बने, चंद बेवकूफों को बिठा के जो है उसमें जो है किससे कहानी सुना देने से काम नहीं चलेगा। सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनमें सलाहियत है, पढ़े लिखे लोग हैं जो जानकारी रखते हैं, उनको गाइड करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, आप बताओ तो सही। तो ये जो अभी आप ये बोल रहे हैं कि मीटिंग में क्या सवाल होना चाहिए, उसमें एक सवाल ये था कि मतलब प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के थ्रू से ही सबसे पहला काम यही है, इलेक्शन होना चाहिए। 2010 के में के इलेक्शन के बाद 2015 में जब तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब बोले हमको वकील को पैसे देने, अरे वकील को क्यों पैसे देने भाई, कैश निकालने से वो बैंक में जो है उन्होंने ब्लॉक करवाया, क्यों ब्लॉक करवाया, कि जब तक इलेक्शन नहीं होता वो कमेटी नहीं आती तब तक के कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। बराबर, तो आपको किस लिए वकील को पैसे देने, सोसाइटी पे क्या आपके ऊपर मुसीबत आ गई, आप ये चक्कर में बैठे हो कि रजिस्ट्रार अगर कोई ऑर्डर दे दे तो हम स्टे ले लेंगे, स्टे क्यों लोगे भाई, स्टे क्यों लोगे ये तो बताओ, तो करना है तो अपने पैसे से लो, वो स्टे भी कैसा उसको खत्म करना है हम जानते हैं। पहला सवाल मेरे सबसे से पहला सवाल यही है सोसाइटी वालों से, 100% लोग जो सोसाइटी के है उनको ये हकीकत पता होनी चाहिए कि उनको जो सोसाइटी वालों ने जो चीजें दी है गवर्नमेंट की निगाह में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट उनका वैलिड नहीं है। अब उसको वैलिड कैसे करना है, ये जो भी करना है इन सब के लिए सबसे पहली जो चीज है कमेटी अप्रूवल हो, इलेक्शन होकर कमेटी आवे। आप इलेक्शन के लिए पैसे पर, अभी 24 तारीख को आपका डेट है, 21 तारीख को भी था, 21 तारीख को ज्यादा लोग गए नहीं, सोसाइटी के सिर्फ दो लोग गए थे जो उनके अपोजिट ग्रुप में है, आप लोग क्यों नहीं गए, आप 24 को आपकी डेट है, आप 24 को वहां जाओ और सीधी बात, इलेक्शन तो हम करवाना, अरे करवाना चाहते नहीं करवाओ, बोलने से थोड़ी होगा, पैसे भरो जो उनको पैसे भरने हैं इलेक्शन फीस। और क्या क्या सवाल हो सकते हैं जो आवाम को पूछना चाहिए? हाँ, दूसरी चीज जो है ना, अभी आप जैसे मैंने एक बात कही कि भाई दत्तक बस्ती की जो बात मैंने कही थी कि भाई आप 3,95,000 जो है आपने उसमें एस्टिमेट दिया था साल का, अब सीधी बात समझो 12 यूनिट है दत्तक बस्ती जिनको एफ सेक्टर, आई सेक्टर और ए सेक्टर दिया गया, ए सेक्टर में 600 घर है, आई सेक्टर में 100 घर है और एस सेक्टर में 900 तकरीबन, सब मिला के समझो 900 अप्रोक्सीमेटली घर, तो उसके हिसाब से 900 किधर है, 700 किधर है, कम से कम 7 आदमी या 8 आदमी आपको मिलने चाहिए। इसके बजाय आप क्या कह रहे हो दत्तक बस्ती वालों से, 12,000 हमको दे दो बाकी काम अपने आदमी रख के करवा, क्यों करवाओगे, 7 आदमी बीएमसी ने दिया है ना तुमको, बीएमसी उनका पैसा दे रही है, उनको सैलरी दे रही है, अब आपका ये काम है कि आप उनमें से 6 आदमी 7 आदमी लेके सोसाइटी के रोजाना जो काम है उनसे करवा के लो, ये है ना इसी तरह, भाई आप सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए बैठे हो, नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हो, मैन पर वहां से लेके आप अपना काम करवाओ, अपना काम करवाओ, मानसून के टाइम में आप अपने आदमी उनके पीछे लगाओ, आप जो सोसाइटी के बैठे हो ना जिम्मेदार बन के, खाली कुर्सी तोड़ने के लिए हो, बोले वो सोसाइटी अक्सर मेंबर कौन है भाई, वो उलवा में रह रहे, वो वहां रह रहे, वो यहाँ रह रहे, उनको आने जाने का पैसा दो, उनको सैलरी दो, क्यों यहाँ रहने वाले लोग नहीं है, वो अगर सोसाइटी में काम जो करना चाहते वो चैरिटी में करे, नहीं तो इस्तीफा देके बैठे चुपचाप अपने घर में, उसका बोझ सोसाइटी वाले क्यों उठाए एक्चुअली एग्जैक्टली। लतीफ भाई यहाँ मस्जिद के जिम्मेदार थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह की मगफिरत फरमाए, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे खर्चे जो सोसाइटी मस्जिद के बंद करवाए, आज एक चीज नजर आ रही है नूर मस्जिद, लतीफ भाई क्या थे क्या नहीं थे वो लतीफ भाई जाने अल्लाह जाने, लेकिन एक मस्जिद आज नजर आ रही, आज चीतागंज की मस्जिदों में सबसे बेहतरीन मस्जिद बनी हुई है, आदमी की नीयत अच्छी थी, हाँ भले आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन एक मस्जिद को बेहतरीन शक्ल में बनाकर देखे गए, जब तक जिंदा थे कोई इंतजार नहीं हुआ, प्रॉपर फॉर्मेशन में चल रही है, अब उनका जब इंतकाल हो गया तो वैसे ही आ गया,
तो उन्होंने सारे खर्चे बंद करवाए। यहाँ तक के निकाह के लिए जब लेने आते उस वक्त इमाम साहब नहीं गए, बाद में अगर ये गए तो गाड़ी भाड़ा आपको देना पड़ेगा, अच्छा मस्जिद नहीं देगी, चाय का पैसा आप दो, फोन का बिल इनकमिंग ओनली आउट गोइंग ऑफिशियल काम के लिए। ये तरीका होता है कि आप सोसाइटी को फायदा पहुंचो, ना कि सोसाइटी में खर्चे का। बोले 3 लाख मैंने अपने जेब से, जिंदगी में 3 रुपया किसी को नहीं दिए तुमने, 3 लाख कहां से देंगे। अभी तो एक चीज और भी सुनने में आ रही, इसलिए मैं तकरीबन 6 या 7 पार्ट मैंने बनाया जिसमें स्टार्ट टू एंड सारी बातें डिटेल के साथ में है। मैं सोसाइटी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खास करके आप जो है मीटिंग में जाने से पहले वो सारी वीडियोस सुन ले, मैं उसमें मैंने डॉक्यूमेंट भी रखे हैं, या उसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हार्ड कॉपी तो मेरे पास मौजूद है, आप वो ले लें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जागे। जैसे आज मौजूदा से 8 साल से हो, ये बता दो आपने क्या किया, हकीकी चीज जिससे लोगों को फायदा हुआ हो। भाई 8 साल पहले 2014 में सोसाइटी वालों का घर जो है 15 लाख में बिक रहा था, आज 25 लाख में बिक रहा है। डेवलपमेंट, भाई इनका स्टैंडर्ड ऑफ लेवल बड़ा हो, उल्टा कम हो गया। जो उनके प्रॉब्लम्स है, सिर्फ नाला ये नहीं बल्कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आज सोसाइटी है ना, देखो आप चलने के लिए रास्ते नहीं बचे, सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को देखना जरूरी है। और इलेक्शन होना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं, साफ बात मेरी एक ही बात, इलेक्शन। अभी एक मुद्दा आया अभी मार्केट रोड का, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने सच्चे या झूठे, 4 दिन पहले खड़के चिल्ला रहे थे, पता चला आप जो है डीलिंग हो गई और काम चालू हो गया। भाई आप अपोज कर रहे थे ना, रोड छोटा हो रहा बोल के, तो फिर काम क्यों चालू हुआ, अपोज क्यों कर रहे थे लेने के लिए। अच्छा हाँ, अपोज का मतलब क्या है भाई, काम रोकना, रोड बड़ा होना चाहिए, जो काम तो बड़ा नहीं, गटर बड़ी हो गई। तब एक ये खबर मार्केट में फैली है, हम नहीं जानते सच है या झूठ है, लेकिन ये है कि भाई बैक डोर से जो है डीलिंग चल रही है, कैसी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है अमित, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब मीटिंग में सबसे पहला मुद्दा होगा वो इलेक्शन की बात होगी, जो बैलेट पेपर से होगा, जो ऑन पेपर जैसा जो होता है इलेक्शन हो, क्या हाथ उठा के इलेक्शन हो, सिलेक्शन कुछ नहीं, इलेक्शन हो। हाँ, और जो मौजूदा इनके साथ में बैठे हुए हैं 2014 से लेके अब तक का हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। अब एक खबर ऐसी सुनी, सोसाइटी वालों से सुना, सच्चे झूठे मैं नहीं जानता, बोरिंग कटवाए थे कोई 400 रुपया वो वेल्डर को दिए, 5,000 का बिल बन गया। अच्छा, अपने हम निवाला हम ख्याल मुझे दिया गया करके, ऐसा सुनने में आया मुझे, मैं इसकी तस्दीक नहीं करता सच है या झूठ है। तो ऐसी जो भी चीज होगी इंशाल्लाह हर चीज का हम इंक्वायरी बिठाएंगे उस पे, भले उसके लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे। हाँ, आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? आवाम के लिए यही है कि मैं जो कहूंगा ये 2 दिनों में आप जो है वो पूरे वीडियो सुने मेरे, या और उनके जहन में कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई चीज है तो मेरे से बात कर ले, मैं उनको क्लियर करूंगा। ठीक।